भी म्यूजिकल रहा, बहुत सीखने को मिला, बहुत बड़े बड़े कलाकार इस सफर में मिलते रहे, हमारे गुरुजी पंडित रविशंकर जी, पंडित विजय राघव राव जी, पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी, और जो कलाकार भी मिले वो सब ऐसे मिले जिनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे की जर्नी में ऐसे ही मैं बड़ों से सीखता रहूं और कुछ ना कुछ मैं अच्छा करूं सीखने। रोनू जी हमारे भारत के बहुत ही अहम बांसुरी वादक हैं, न सिर्फ बांसुरी वादक है लेकिन जैसे मैं हमेशा कहते आया हूँ कि वो बांसुरी के साधक है, क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की, क्योंकि 40 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है, बहुत लंबा अरसा होता है, लेकिन इन 40 सालों में उन्होंने बांसुरी की इतनी साधना की है, संगीत की साधना की है, और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने भारत के ऐसे कलाकारों के साथ स्टेज पे परफॉर्म किया है, स्टूडियो में बजाया है, जैसे पंडित रविशंकर जी से लेके बड़े बड़े महान कलाकारों के साथ, और आज भी उनमें वो लगन है, उनमें वो जोश है कि जो आज से 40 साल पहले था। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भारत के जो अनमोल रत्न है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, उनमें से एक रोनू जी। शंकरन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रोनू जी के बारे में इतने लोग तो कह रहे हैं, और इन्होंने जो 40 साल में जो अपनी बांसुरी बजा के सबको मंत्रमुग्ध किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 50 साल और उनके बांसुरी बजाने के 40 साल ही इकट्ठा हो रहे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बांसुरी जिस तरीके से इन्होंने बजाई है, बजाते रहे हैं और बजाएंगे, मेरे ख्याल से हमारा तो सबका आशीर्वाद तो रहेगा उनके ऊपर, लेकिन मेरे ख्याल से बांसुरी के जो पंडित थे, जो हमारे भगवान कृष्ण जी, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है, और क्या चाहिए। मुझे लगता यही है कि रोनू तुम बजाते रहो और लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहो। ठीक है जी, जैसा कि शांताराम जी ने कहा कि बांसुरी तब से प्रचलित है जब से भगवान श्री कृष्ण बजाते आए हैं, लेकिन अगर आज के अगर टाइम में अगर हम देखें तो कोई भी बांसुरी के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, और कोई भी इस तरह की हमें देखने को नहीं मिलती, तो नहीं ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है तो उसका स्टाइल बदलता है और उसके इस्तेमाल का तरीका बदल जाता है। बांसुरी में उतना इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत लोग सीखने आते हैं, यहाँ तक कि फिल्मों में भी, गजलों में भी भाई साहब के साथ हरदम आपको बांसुरी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बांसुरी का जो, क्योंकि ये बहुत प्राकृतिक और सबसे नेचुरल वाद्य है, तो इसका जगह कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभी तक नहीं ले पाया, अभी तक भी बांसुरी तो अपने रूप में ही इस्तेमाल होता है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए आप, मैंने हीरो में ओरिजिनल तो बजा ही है जो पंडित जी ने बजाया, उसके बाद उसका रिमिक्स जो मैंने बजाया, जो फ्लूट फैंटेसी, वो भी इतना ही पॉपुलर हुआ, उसका साउंड बदल गया, मगर जब आप देखेंगे कि फ्लूट फैंटेसी जो मैंने बजाया वो लाखों करोड़ों में बिका है, तो लोग सुनते हैं उसको, वही धुन है मगर वो बांसुरी में ही बजा। आप सभी से जानना चाहूंगा कि जो गाने आ रहे हैं आजकल के, जो सिंगर आ रहे हैं, कितने पसंद आते हैं, कितने रास आते हैं और कितना सुनते हैं आप लोग आजकल के गाने? जी नए पीढ़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है,